सो गाइज आज हम जा रहे हैं फोटोशूट के लिए। गाइज आई होप कि आज का फोटोशूट काफी स्पेशल होने वाला है, तो मैं रास्ते में हूँ एंड मेरा दोस्त मुझे रास्ते मिलने वाला है, तो देखते हैं आज का फोटोशूट कैसा होगा। एंड हाँ, आप देख ही लोगे कि मैं वीडियो में डाल रहा हूँ। एंड हाँ, वीडियो को लास्ट वॉच करें, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना गाइज। और मैं मिलता हूँ आपको दोस्त के मिलने के। ये पता नहीं कैसा पेड़ है एंड इसके अंदर लग रहा है कुआं हुआ है, नो आइडिया। हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं भी देखने का। सो बड़ा ही अनोखा पेड़ है, चलो आगे बढ़ते हैं। गाइस देख सकते हो यहाँ पे क्या ही नज़ारे हैं यार, मज़ा आ गया। भाई गूगल वालों को कभी भरोसा नहीं करना है। मेरे को रास्ता दिखाया था मेन रोड का, पता नहीं कहाँ पे लटका दिया है यार। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यार। वो चूना लगा दिया, जंगल है, अब निकल लें कैसे न कैसे करके। मेरा दोस्त बता तो रहा है मेरे को, शायद आई थिंक वहाँ मिलने वाला है। अभी कॉन्टेक्ट किया मैंने उससे, देखते हैं कहाँ मिलेगा। सो गाइस हम आधी रास्ते पहुँच चुके हैं और अभी तो हमें वहाँ तक जाना पड़ेगा क्योंकि ये है कॉलेज, और पता नहीं कहाँ पे कॉलेज डाला है इन लोगों ने अभी। पर यहाँ पे वर्कशॉप काफ़ी मिल जाएगी तो देखते हैं, यहाँ पे वर्कशॉप काफ़ी मिल जाएगी तो देखते हैं यहाँ पे कैसा फोटोशूट होने वाला है आज हमारा। 10 minutes later. Hi guys, what's up and welcome back to Instagram 2.0. And guys, आज की इस वीडियो में हम करने वाले एक शटर फोटो शूट। मेरे साथ मेरे दोस्त है सारिम, की आइडिया डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी आपको, आप वहाँ से जाकर से प्लीज चेकआउट कर सकते। बट हाँ, ये यूट्यूब पे नहीं है, ओनली इंस्टाग्राम पे। तो गाइस बहुत दिन से शटर फोटो शूट करने के लिए हम काफ़ी शटर ढूंढ रहे थे, तो हमें फाइनली आगे एक शटर मिला क्योंकि मेरे घर के आसपास दुकानें हैं वो रात में बंद हो जाती है और सुबह तक खुली जाती है, तो बनता नहीं उसका कुछ फोटो का। तो आज हमें मतलब कि काफ़ी डिसाइड करने के बाद हमें एक लोकेशन मिली है, ये सबलूगढ़ी आईटीआई कॉलेज है जहाँ पे वर्कशॉप काफ़ी है। मैं आपको दिखा सकता हूँ ये पीछे से धीरे, ये वर्कशॉप है सारी एंड यहाँ पे सेटर लगे पड़े हैं, तो काफ़ी बच्चे हैं नहीं तो यहाँ पे बंद है। तो मतलब कि आज हम यहीं पे कर दें फोटोशूट क्योंकि डिस्टर्बेंस नहीं होगा, कोई बनता नहीं होगा, तो फोटो काफ़ी अच्छी आएगी। गाइस बिना किसी देरी के, विदाउट एनी मोर एनिमेशन टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट गाइस। तो गाइस हमें मिल चुका है एक शटर और आज तो है तो नहीं हमारे, चलो ठीक है यहाँ पे चलो करते हैं फोटो शूट। सर सारे भाई रेडी हो जाओ, शर्ट पहनो और रेडी हो जाओ। ब्लैक में कुछ टैटू वैटू नहीं है तो आज मैं करते हैं भाई थोड़े। आपको सारा प्रोसेस समझ आ ही गया होगा कि हम क्या क्या करते हैं फोटो शूट के लिए, तो शर्ट भी चेंज करनी पड़ती है कभी कभी। बड़ा हरामी हो बेटा, चल जाता है इतना तो। और गाइस अब बात करते हैं ये फोटो एडिट कैसे हुई एंड ब्लैक एंड व्हाइट टोन कैसे डालनी है, तो चलो इसके लिए कम विद मी लाइट रूम। सो गाइस अपनी फोटो को लाइट रूम एप्लीकेशन में ओपन कर लेना है। सो फर्स्ट स्टेप हमारा होगा क्रॉप, क्योंकि हमें जब भी फोटो को एडिट करना होता है सबसे पहले हम उसका क्रॉप देखते हैं कि आपको फोटो कहाँ पे अपलोड करना। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके एक साइज, आपको डीपी साइज करना है तो 1x1, और अगर आपको इंस्टाग्राम में पोस्ट करनी है तो 4x5 का सिलेक्ट करें।
एंड इसे टिक करें, क्योंकि मेरे को भी इंस्टाग्राम में पोस्ट करनी है तो मैं इसको टिक कर लेता हूँ। एंड ये आपका साइज हो चुका है अब एक्चुअली। सो गाइस, इस सेटर में जो ब्लू पार्ट है उसको अगर ब्लैक में कन्वर्ट करना है एंड ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज बनानी है तो सबसे पहले इसके चलते हैं लाइट्स पे, क्योंकि लाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं फोटो की। तो मैं सबसे पहले एक्सपोजर कम करता हूँ। ये एक्सपोजर होता है जो फोटो की ब्राइटनेस एंड लाइट्स को कम या ज़्यादा करने में काम आता है। तो मैं इसका लाइट रखता हूँ मिनिमम 60, चलो 50 रख लेते हैं, 58। एंड कॉन्ट्रास्ट इसका हल्का सा कम करता हूँ मिनिमम 20। एंड हाई लाइट बिल्कुल कम कर देता हूँ, शेडो हल्की बढ़ा देता हूँ मिनिमम 35। एंड वाइट्स को हल्का कम कर देते हैं मिनिमम 22, ठीक है। एंड ब्लैक भी हल्का कम करते हैं मिनिमम 50। ओके, डन करते हैं इतना। गाइस, अगर आपको फोटो में थोड़ी ब्राइटनेस कम लग रही है तो इससे कोई दिक्कत मत लेना, क्योंकि ये एक प्रोसेस है एक फ़ोटो को अच्छी तरीके से एडिट करने का। सो गाइस, अब चलते हैं कलर्स पे। कलर्स पे हम इसका वाइब्रेंस बढ़ाते हैं, क्योंकि वाइब्रेंस होता है आपकी कलर्स। अगर आप इसे डार्क कर दें तो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट फोटो बन जाती है, एंड इसको बढ़ा दें तो बिल्कुल लाइट मतलब कलर वापस आ जाते हैं। तो आपके कलर लाने में काफ़ी हेल्प करता है ये वाइब्रेंस। तो मैं रखता हूँ इसको 65, तो 62 भी ठीक है चलो। एंड सैचुरेशन को हम छेड़ेंगे नहीं। एंड टेंट मिनिमम 8 रखते हैं इसका, एंड टेम्परेचर भी 8 ही रखते हैं। अब चलते हैं इसके सिलेक्टिव कलर्स पे। तो रेड हमारी शर्ट में आपको रेड कलर तो दिख ही रहा होगा, तो मैं इसका कलर थोड़ा बढ़ा देता हूँ। तो मैं इसका लुमिनेंस हल्का अप करता हूँ एंड सैचुरेशन भी अप कर देते हैं। अब चलते हैं इसके फेस पार्ट पे। फेस पार्ट में इसका लुमिनेंस बढ़ाऊँगा जिससे कि थोड़ा ब्राइट हो जाए चेहरा, और सैचुरेशन इसकी आई थिंक ठीक है। एंड यू कलर किस पर चेंज करें, आई थिंक ठीक है ये। सो गाइस, येलो पार्ट में हम इसका यू चेंज करेंगे एंड सैचुरेशन इसकी हल्की अप करते हैं एंड लुमिनेंस कम कर देते हैं। एंड ग्रीन पार्ट पे जाते हैं। ग्रीन पार्ट में आपको दिख रहा होगा कि आपके सेटर के पीछे काफ़ी ग्रीन ग्रीन पार्ट आ रहे हैं। इसको कम करने के लिए देखिए, आपको सबसे पहले इसका यू बिल्कुल कम कर देना है एंड सैचुरेशन भी बिल्कुल कम। अब देखे जा रहे होंगे कि ये कहाँ गायब होते जा रहा है, तो इसका लुमिनेंस भी हल्का कम ही कर देते हैं या पूरा ही कम कर देते हैं। इसके बाद चलते हैं ब्लू पार्ट। ब्लू पार्ट को बढ़ाने के लिए आप इसका पहले यू बढ़ा लेंगे मिनिमम 78, ठीक है। एंड सैचुरेशन इसकी माइनस करते हैं एंड लुमिनेंस भी इसकी हल्की सी माइनस करते हैं। अब सेम कंडीशन अप्लाई ब्लू, इसकी सैचुरेशन माइनस कर देंगे एंड लुमिनेंस भी कम कर देंगे। आपको दिख रहा होगा कि एक ब्लैक इफेक्ट आ गया है आपके स्वेटर में एंड बिल्कुल नीट एंड क्लीन आ चुका है। अब करना क्या है, आपको सबसे पहले यहाँ पर टिक करना है डन। सो गाइस, अब चलते हैं इसके इफेक्ट वाले पार्ट पे। इफेक्ट वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, इसका विनेट करेंगे। विनेट में हम इसको कम करते हैं मिनिमम 37 एंड मिड पॉइंट। मिड पॉइंट होता है ये, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ये एक अलग ही वाइट सर्कल दिख रहा होगा, ये मिड पॉइंट दिखाता है। अब मिड पॉइंट को हम गायब करने के लिए हम इसका फैदर बढ़ा देंगे। फैदर बढ़ने से होता है क्या है, वो जो मिड पॉइंट हमें दिख रहा था ना वो गायब हो जाएगा, लगेगा जैसे कि हमें कि इसमें वीनट कम यूज़ करा है। तो हाईलाइट इसकी बढ़ा लेते हैं पूरी फुल। आपको मास्क पे जाना है, आइकन पे क्लिक करना है एंड आपको एक ब्रश सेलेक्ट कर लेना है। ब्रश सेलेक्ट करने के बाद अपनी फोटो को अच्छे तरीके से जूम कर लें एंड अच्छे से इसमें पेंट कर दिए, इसको पेंट कर लीजिए। एंड इसकी लाइट जैसे मैं बढ़ानी, तो मैं इसका शेडो बढ़ाता हूँ हल्का सा, इंक्रीज करूँगा। आई थिंक ये ठीक है। एंड हाईलाइट ओके डन। एंड कॉन्ट्रास्ट आई थिंक कम ही रखते हैं, ज़्यादा बेटर है। एंड ब्लैक्स रखेंगे नहीं, वाइट रखते हैं एंड वाइट्स को हल्का सा अप कर देंगे। अब चलते हैं इसका कलर। तो मैं इसका टेम्परेचर बदल दूंगा कलर में, आई थिंक ये ठीक है। एंड टेंट भी हल्का चेंज कर दे। सो गाइस, मैं आपको दिखा देता हूँ बिफोर एंड आफ्टर। तो बिफोर एंड आफ्टर, सो गाइस हमारा फोटोशूट कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो कुछ चेंज हो चुके हैं हमारे। और गाइस, अगर वीडियो आपको जरा सी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर एंड बेल नोटिफिकेशन ऑल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, एंड मिलते हैं किसी अदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइज़।